सो हेलो गाइज, मेरा नाम है शेख नईम, आप देख रहे होंगे टेक्निकली हिंदी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मुझे कई कमेंट आए हैं कि माय मूवी ऐप में वीडियो कट कैसे करें। देखिए दोस्तों, सिंपली तरीके से आपको वीडियो एडिट कट करना बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मुझे ये भी कमेंट आए हैं कि उसमें सब्सक्राइब बटन कैसे लगाए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ कि जो माय मूवी ऐप है उसमें क्रोमा की का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों आप उसमें क्रोमा की का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उस ऐप में जो क्रोमा की है उसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। उसमें आप सिंपली तरीके से वीडियो एडिट कर सकते हैं। दोस्तों आई बटन में आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पर आप क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, आपको समय पहले मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के लिए देखिए, मैंने माय मूवी ऐप डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, मैं उस पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन दिखा रहा है, वीडियो पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं आपको कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं एक वीडियो सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, मैंने सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ये आपको एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा हूँ, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अरे मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, लेकिन सिर्फ ये देखिए दोस्तों, ये मैंने वीडियो टाइमलाइन में ले लिए। और उसके बाद में आपको सिंपली तरीके से क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नीचे। देखिए दोस्तों, आप एडिट का ऑप्शन देख रहे हैं, मैं जैसे यहाँ से वॉइस कम कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे कि मुझे इतना कट करना है तो मैं यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। ये जो कैची का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपली तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा हूँ। उस पर आप सिंपली तरीके से क्लिक करें दोस्तों, और आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोनों, जो एक वीडियो हमारी पूरी थी वो अलग अलग हिस्सों में हो चुकी है। अब वो सिंपल तरीके से आपको जो कट करना है उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे कि मुझे ये कट करना है, और आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा हूँ, इस पर सिंपली तरीके से डिलीट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा इधर का भाग डिलीट हो चुका है। मैं आपको फिर से वीडियो ओपन करके दिखा देता हूँ। कि देखिए, जैसे मुझे बीस का जो हिस्सा है मुझे कट करना है, तो मुझे फिर से एडिट पर जाना है, स्किल पर जाना है। और यहाँ से देखिए जो से कट हो चुका है, फिर से मुझे जैसा बीच का हिस्सा कट करना है, फिर से थोड़ा मुझे आगे लेना है, सेट कर लेना है पहले आपको जितना आपको कट करना है। फिर उसके बाद में एडिट पर क्लिक करें, फिर से वही करें, और फिर यहाँ से बीच का जो हिस्सा है आपको उस पर क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा हिस्सा हो चुका है, अलग अलग हिस्सों में हो चुका है। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अलग हिस्सा हो चुका है और ये अलग हिस्सा हो चुका है। और दोस्तों आप ये भी पूछ रहे थे कि इसके आगे कभी हमें और लगाना है तो क्या करें। देखिए दोस्तों, आपको साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्लस का, उस पर आप सिंपल तरीके से क्लिक कीजिए। और उसके बाद में आपको यहाँ पर फोटो वगैरह जो भी लेना है आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं। जैसे मुझे ये लेना है, मैंने ये देखिए, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, उसके आगे आ चुका है। देखिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।